बड़ी खबर नरसिंहपुर से, जहां नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह की हुंकार, पंजाब में लगे राष्ट्रपति शासन, पंजाब सरकार को किया जाए बर्खास्त, कांग्रेस देती है देश विरोधी ताकतों को संरक्षण, पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल का बड़ा बयान, सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब की कांग्रेसी सरकार जिम्मेदार, पंजाब राज्य सरकार को बर्खास्त कर लगाया जाए राष्ट्रपति शासन। विधायक पटेल ने कहा, कांग्रेस देश विरोधी ताकतों की पालनहार देती है उन्हें संरक्षण। बड़ी खबर नरसिंहपुर से, जहां विधायक जालम सिंह ने कहा, पंजाब सरकार को किया जाए बर्खास्त, कांग्रेस देती है देश विरोधी ताकतों को संरक्षण, पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल का बड़ा बयान, सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब की कांग्रेसी सरकार जिम्मेदार, पंजाब सरकार को बर्खास्त कर लगाया जाए राष्ट्रपति शासन। मुख्यमंत्री से बात करने के का प्रयास किया, दूरभाष पर वो नहीं आए। डीजीपी और मुख्य सचिव, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो सारे जो षड्यंत्र में शामिल थे, बहुत बड़ी घटना टली है। जैसे मोदी जी ने कहा कि मैं जिंदा बच के आ गया, ये बात सही है, और एक बड़ी साजिश कांग्रेस की सरकार ने की है, और उसी से मैंने कहा कि वो सरकार बर्खास्त होना चाहिए, और जो उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साजिश बनाई गई है, और उसके बाद उसकी जांच होना चाहिए। इस बार जी के साथ पंजाब में जो उनकी सुरक्षा में चूक हुई, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। आज़ादी के बाद साथ पहली बार ऐसी घटना हुई होगी कि देश के प्रधानमंत्री जी का जो रास्ता, उसमें रोकने का प्रयास किया गया है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस, मैं ऐसा मानता हूँ कि आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, और पंजाब में भंडरवाला, खालिस्तानी, इनको पालने का काम कांग्रेस ने किया है, और जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं उनको भी पोषित पालित करने का काम भी कांग्रेस कर रही है। चाहे हम अब टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करें, और जितने प्रकार की भी देश विरोधी ताकतें हैं उसका संरक्षण कांग्रेस कर रही है, और सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब है। और पंजाब में ऐसा भी मेरा मानना है कि पंजाब में जो वर्तमान सरकार वो खालिस्तानियों के चरणों में है, और कांग्रेस हमेशा से, चाहे आतंकवाद के माध्यम से हो, चाहे नक्सलवाद के माध्यम से हो, चाहे खालिस्तानियों के माध्यम से हो, वो उसका मसल पावर उपयोग करती है। पहले वो समस्या पैदा करती है, और समस्या पैदा करने के बाद उस पर फिर वो राजनीति करती है। यह काम कांग्रेस ने किया है, और इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है, और केंद्र सरकार से मांग करती है कि पंजाब सरकार को बर्खास्त करें और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएं। वो जितने भी खालिस्तानी आतंकवादी संगठन हैं, सीमा पार से आतंकवाद वहाँ बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सीमाएं बहुत सुरक्षित हैं। केंद्र की सरकार जो BSF को 50 किलोमीटर का जो पूरा एरिया दिया हुआ कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था चौक चम्मन मजबूत रहे, उससे जितने सारे आतंकवादी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आतंकवादी संगठन हो, सारे बौखलाए हुए हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसकी कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, और घोर निंदा होना चाहिए ऐसे कृत्यों की। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो हैं वो एक संवैधानिक पद है, और हमारे देश में ऐसी परंपरा है कि ये सब होता रहता है। उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि पहले वो हवाई यात्रा कर रहे थे, मौसम के कारण हवाई यात्रा समाप्त हो गई, कर नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने रोड से जाने की बात करी, तो पंजाब सरकार से बात करी, और वहाँ के प्रशासन से बात करी, DGP से बात करी।